Good morning everyone, myself Arun Sharma, PGT Physics. Today we will start the next topic of grade 12 physics, that is alternating current. So you know what is an alternating current? Alternating current is that current which can change the direction with respect to time. So in my last video we will discuss about there are two major factors which play a very important role in alternating current, that is EMF and current. So EMF E is equal to E naught sine omega t, and the condition for current I is equal to I naught sine omega t. So I is the current and I naught is the peak value of an alternating current. Here E is the EMF and E naught is the peak value of an EMF. So in my last video, we will discuss about AC through resistance or resistor only, and AC through inductor only. So in my last video, the question start from EMF and result can be formed in the form of current. So today's my topic is AC through capacitor, and next question is LCR series circuit. So this topic is very very important. It's your 5 marks question. और ये जो क्वेश्चन हमने करना है ये दो अलग अलग फॉर्म में करना है. एक हम करेंगे सिंपल एलसीआर और एक करेंगे हम इसका एनालिटिकल मेथड. तो आज तो सिर्फ हम ये दो टॉपिक करेंगे, एसी थ्रू कैपेसिटर एंड एलसीआर सीरीज सर्किट. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, द एनालिटिकल मेथड फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट. सो पे अटेंशन देयर. फर्स्ट टॉपिक इज एसी थ्रू, बिल्कुल ध्यान से देखना है. AC through capacitor only. तो आपको पता है capacitor एक ऐसा device है to store electrical energy. capacitor एक ऐसा device है जो अपने अंदर electrical energy को store करके रखता है. So it's your capacitor, two parallel plates, and it's your AC, alternating current symbol E. It's your capacitor. One plate is positively charged and second plate is negatively charged. So question start from EMF. E is equal to E naught sine omega t. अब आपने फर्स्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड क्यू फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी कैन यूज सी. सी इज द कैपेसिटर कांस्टेंट. तो आप इस सी की जगह आप यूज कर देंगे ई, ईएमएफ. सो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, और यहां से हमने E का वैल्यू पुट करना है. E नॉट साइन ओमेगा T इज इक्वल टू Q अपॉन C. बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहां से Q का वैल्यू निकालना है. Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा T. क्वेश्चन स्टार्ट करा है हमने EMF से, आंसर आएगा हमारा करंट के बीच में. सो यू नो करंट I is equal to rate of change of charge with respect to time. तो d upon dt mean जो आपके पास charge का value है उसका आप derivative निकालेंगे. I is equal to d upon dt. here the value of q is c e naught sine omega t. it means I is equal to c e naught is constant. Derivative of sine omega t, it means I is equal to C E naught sine omega t का derivative
कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा पढ़ा हुआ है आपने। सो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा। इसका फॉर्मूला अरेंज करने के लिए थर्ड टर्म है ऊपर चली जाएगी, सेम एज इट इज वही बचेगा। हियर कॉस ओमेगा टी देन आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा, क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। कल भी करा था, कल यहाँ पे माइनस कॉस था तो मैंने ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू था। अब यहाँ पे e नॉट अपॉन वन अपॉन सी ओमेगा दैट इज इक्वल टू, अभी इसको आप e नॉट अपॉन एक्स सी भी बोल सकते हैं, याद रखना है यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, और e नॉट अपॉन एक्स सी या वन अपॉन ओमेगा सी दैट इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एन ए सी इंटू ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो इट्स योर करंट कंडीशन। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ है? ईएमएफ से। तो ये आगे आपके थर्ड पोर्शन आपका कि एसी थ्रू कैपेसिटर ओनली। हमने पहले सिंगल सिंगल टॉपिक रीड करा, पहले हमने रीड करा एसी थ्रू रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर के ऊपर आए, अब हमने रीड कर लिया ये आपका एसी थ्रू कैपेसिटर ओनली। तो प्लीज नोट डाउन, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एसी थ्रू या एलसीआर सीरीज सर्किट। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। अगर आपको ये पीछे वाले टॉपिक आते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आते हैं तो नेचुरली आपको नेक्स्ट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट इज एलसीआर सीरीज सर्किट। कल हम, मैंने बताया आपको कल हम इसका एनालिटिकल मेथड करेंगे। यस, नेक्स्ट एल सी आर सीरीज सर्किट। तो इसमें हमने एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है, करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन बताना है। तो जो इसके बीच में दो फॉर्मूले अरेंज होंगे बनेंगे, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। जैसे यहाँ पे एक तो आपको आएगा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इम्पीडेंस मीन जेड निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ये आपने फॉर्मूला अपने आप अरेंज करना है, ओमेगा जानते हैं आप टू पाई बाय टी के इक्वल होता है, और वन अपॉन टी को आप एफ फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, तो ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं टू पाई एफ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा देन जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टू पाई एफ एल माइनस वन अपॉन टू पाई एफ सी का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाँ जी, तो ये देखेंगे ये आपके पास L इंडक्टर, नेक्स्ट कैपेसिटर, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल, ये जी L, ये C और ये R। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस BL, BC एंड BR। क्लियर? अब आगे क्या करा मैंने, ये आपके पास x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन O, और यहां पे मैंने एक A पॉइंट कंसीडर करा, इस साइड को आपका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया मैंने BR। यहां ये A पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं B पॉइंट, और इस B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है BL। एक पॉइंट यहां पे कंसीडर करा C, और इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास BC। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने E,
और ये एंगल ओमेगा टी और आप फाई एंगल, और ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट बन गया आपके पास डी। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में बी एल है और नीचे की तरफ बी सी है, तो मैंने लिखा बी एल माइनस बी सी। डी पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी एल माइनस बी सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग, यहां पे लिख सकता हूं बी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, बोलेंगे बी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी और बी आर इज इक्वल टू आई आर के इक्वल। अब एक्सएल मीन आई ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, इसको आई वन अपॉन ओमेगा सी भी बोल सकते हैं। पर अभी तक यहीं तक याद रखो आप कि इसको आई एक्स एल और आई आर लिखेंगे। आगे मैंने ट्रॉइंगर ले लिया ओ ए ई, ध्यान से देखेंगे ओ ए ई, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ओ ई दिस इज आल्सो इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओ ए, ओ ए किसके इक्वल है बी आर, बी आर होल स्क्वायर प्लस ए ई किसके इक्वल है बी एल माइनस बी सी, ये लिखा हुआ है मैंने बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वन सॉल्व करना है, ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हियर बी आर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस बी एल आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अगेन ई आई रिमेन कॉमन, द टर्म इज आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। अभी लास्ट में भी हमने टॉपिक करा एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट हियर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये करंट का मैग्नीट्यूड है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड, जेड मीन इम्पीडेंस। अगर आपको यहां से जेड इम्पीडेंस बोला है दैट मीन इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दिया मैंने इम्पीडेंस, या इसको क्या बोलेंगे आप मैग्नीट्यूड। यहां तक सॉल्व हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अब आगे हमने डायरेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन में क्या करेंगे, अगेन ट्रायंगल ओ ए ई, ओ ए ई ए ई ए ई परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए बेस, परपेंडिकुलर को बोलेंगे साइन फाई, बेस को बोलेंगे कॉस फाई, दैट इंप्लाइज परपेंडिकुलर ए ई को बोला साइन फाई, ओ ए बेस को बोला मैंने कॉस फाई, दैट इज इक्वल टू टेन फाई इज इक्वल टू। अब ए ई किसके इक्वल है बी एल माइनस बी सी अपॉन ओ ए किसके इक्वल है बी आर, मीन टेन फाई इज इक्वल टू बी एल अगेन आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर, टेन फाई इज इक्वल टू आई रिमेन कॉमन एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी अपॉन आई इंटू आर, आई रिमेन कैंसल आउट देन टेन फाई ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी अपॉन आर। तो ये आ गई आपके पास डायरेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है जी, ये है आपका एक सिंपल क्वेश्चन जिसके अकॉर्डिंग हमने एलसीआर सीरीज सर्किट को फाइंड आउट करा। कल हम क्या करेंगे, इसका एनालिटिकल मेथड ड्राइव करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट में। एक तो हमने करंट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और दूसरा हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये जो दोनों के दोनों फॉर्मूले ये आपके एप्लीकेबल होंगे। सो प्लीज़ ट्राई दीज टू टॉपिक
एंड नेक्स्ट वी कैन परफॉर्म न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड अपॉन एलसीआर सीरीज सर्किट. सो थैंक यू.